हेलो दोस्तों, आपका योगेश एकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं पीएस मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के बारे में। तो पुणे का टॉप 15 में आने वाला कॉलेज है। आज के इस वीडियो में इस कॉलेज से रिलेटेड आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलेज। तो इसमें आपको कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट, रैंक, ग्रेड ये सब पता चल जाएगा। नियरस्ट एयरपोर्ट, बस स्टैंड, कॉलेज के डीटीए कोड, ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में पता चल जाएगा। सेकंड नंबर में देखने वाले हैं डिपार्टमेंट के बारे में, टोटल कितनी ब्रांचेस है इस कॉलेज में और हर एक ब्रांच में कितनी इनटेक कैपेसिटी है, और कॉलेज हमें कौन कौन से डिग्री प्रोवाइड करता है, एमई, बीटेक, बीई ये सब देख लेंगे। थर्ड नंबर में देखने वाले हैं एमएससी सीडीएन जेई मेंस का कट ऑफ, जो कि लास्ट ईयर का है। यहाँ पे हम हर एक ब्रांच का हर एक कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देख लेंगे, ताकि आपको भी आइडिया जाएगा कि आपके कैटेगरी के हिसाब से कौन सी ब्रांच में कितना परसेंटाइल कट ऑफ गया है। फोर्थ नंबर में फीस देख लेंगे हर एक कैटेगरी के हिसाब से। फिफ्थ नंबर हम कॉलेज के हॉस्टल के बारे में देख लेंगे, इनटेक कैपेसिटी क्या थी, फीस क्या थी वो सब देख लेंगे। छठे नंबर पर हमारा सबसे मेन पार्ट आता है कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो एकेडमिक ईयर के हिसाब से देख लेंगे कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, हाईएस्ट पैकेज किया गया था, एवरेज पैकेज किया गया था ये सब देख लेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें कॉलेज की इमेज दी गई और कॉलेज का लोगो दिया गया है। और कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो कॉलेज हमारा 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो लगभग आज से इस कॉलेज को कंप्लीट पूरे 22-23 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इंस्टीट्यूट नेम की बात करें तो हमारे कॉलेज का पूरा नाम प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है। हम कॉलेज के लोकेशन के बारे में बात करें तो कॉलेज हमारा पीएस मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 1186 ए शिवाजी नगर ऑफ जीएम रोड पुणे 411,005 में आ जाता है। अब कॉलेज के स्टेटस के बारे में बात करें तो कॉलेज हमारा प्राइवेट नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है, जो कि अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली से, रेकनाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, एंड एफिलेटेड बाय सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से। और इस कॉलेज को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ए ग्रेड भी मिला हुआ है। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, जो कि आप मेंशन की गई है www.moderncoe.education.in। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना। हम कॉलेज की ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो NRF रैंक की बात 300 के आसपास रहती है। अब कॉलेज से नियरेस्ट एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो हमारा पुणे है, जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पर। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हमारा पुणे है, जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पे। नियरेस्ट बस स्टैंड हमारा 2 किलोमीटर है, जो कि शिवाजी नगर है। कॉलेज का DTA कोड 6139 है, जिसे हम इंस्टीट्यूट या कॉलेज कोड भी कहते हैं। अब हम कोर्सेज के बारे में देखिए तो कॉलेज हमें बी और एमई की डिग्री प्रोवाइड करता है। बी मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, एमई मतलब मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। तो आप देख सकते हो बी में हमें यहाँ पे 7-8 ब्रांचेस मिल जाती हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिल जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग मिल जाता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस मिल जाता है। और ये जो लास्ट की 3 ब्रांचेस है लास्ट ईयर नहीं आई है। इंटेक कैपेसिटी के बारे में देखें तो आप देख सकते हो कंप्यूटर में 120 की इंटेक कैपेसिटी है, IT में 120 की है, इलेक्ट्रिकल में 120 की है, ENTC में 120 की है, मैकेनिकल में 180 की है। जो 3 नई ब्रांचेस आई है उनका आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग उसका 60 है, AIML का 60 है और AIDS का 60 है। तो आप देख सकते हो बी में टोटल 840 सीटें मिल जाती हैं। अब एमई के बारे में बात करें तो आप बी के बाद यहाँ पे एमई भी कर सकते हो, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 ब्रांचेस हमें मिल जाती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, फिर हीट पावर इंजीनियरिंग, अभी यहाँ पे सिग्नल प्रोसेसिंग भी मिल जाता है आपको। इंटेक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो हर ब्रांचेस में 18 की इंटेक कैपेसिटी, टोटल आपको एमई में यहाँ पे 72 सीटें मिल जाती हैं। अब हम इस कॉलेज में मोड ऑफ एडमिशन के बारे में बात करें तो अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप MSc सीडीएन जेई मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ये दोनों हमारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जेई हमारा नेशनल लेवल पे होता है और सीटी जो है हमारा महाराष्ट्र के स्टेट लेवल का एग्जाम है। और दोनों जो एग्जाम्स हैं ये हमारे इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए काम आते हैं। अब सबसे मेन पार्ट आता है हमारा कट ऑफ। तो यहाँ पे हमें MSc सीडीएन जेई मेंस का लास्ट ईयर का कट ऑफ दिया गया है। हम हर एक ब्रांच का हर एक कैटेगरी हिसाब से कट ऑफ देख लेंगे, तो आप भी देख लेना आपकी कैटेगरी हिसाब से कौन से ब्रांच में कितना परसेंटाइल कट ऑफ गया था। सबसे पहले हम कंप्यूटर डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो ओपन का कट ऑफ 94% गया है, OBC का 94 है, SC का 89 है, ST का यहाँ पे 30% है, EWS का 93 है, TRWS का आप देख सकते हो 96.44% गया है, और JEE मेंस का 87.46% है। अब IT डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो ओपन का कट ऑफ 92% गया है, OBC का 91 है, SC का 85 है, ST का 14% आप देख सकते हो, ST का सिर्फ 14% गया है, EWS का 91% है, TRWS का 93 है और JEE मेंस का 83% गया। अब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में बात करें जो कि कोर ब्रांच है, उसका कट ऑफ थोड़ा कम रहता है। तो आप देख सकते हो उसका ओपन का 56% है, OBC का 47 है, ST का 37 है, ST का आप देख सकते हो यहाँ पे भी काफ़ी कम कट ऑफ है, 10% है, EWS का 48 है, TRWS का 65 है और JEE मेंस का 47 है। ENTC के बारे में बात करें, ENTC मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो उसका जो ओपन का कट ऑफ है 83% डाल गया था, OBC का 82% डाल गया था, SC का 78 था,
ST का 82 था, EWS का 82 था, अब देख सकते हो TWS का 85 गया था और JEE Mains का 7507 गया था। तो आप JEE Mains के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। JEE Mains वाले लोग के लिए यहाँ पे 15% रिजर्वेशन होता है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट के बारे में बात करें, जहाँ पे 180 की इंटेक कैपेसिटी थी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन OBC ST EWS और JEE Mains हर एक कैटेगरी की सीट यहाँ पे वैकेंट है। सिर्फ TWS का यहाँ पे कट ऑफ है 71.06, तो यहाँ पे सिर्फ सीरियस मतलब TWS की सीट फुल थी, बाकी सब कैटेगरी की सीट यहाँ पे खाली थी। यहाँ पे हम देख लेते हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ। तो ओपन का 83% डाल गया था, OBC का 82% डाल गया था, SC का 72% डाल गया था, ST का 83 गया था, EWS का यहाँ पे 80% डाल गया था, TWS का 86% डाल था और JEE Mains का 73% डाल गया था। अब यहाँ पे हम AIML डिपार्टमेंट के बारे में बात करें, मतलब मशीन लर्निंग का कट ऑफ देख लेते हैं। तो उसका जो ओपन का कट ऑफ है 90% डाल गया था, OBC का 88% डाल था, SC कैटेगरी का आप देख सकते हैं 82% डाल था और ST कैटेगरी सीट यहाँ पे वैकेंट थी। तो कितनी अच्छी ब्रांच में यहाँ पे ST कैटेगरी सीट वैकेंट है। EWS का 87% डाल गया था, TWS का 92% डाल गया, JEE Mains का 82.62% डाल गया। अब AIDS डिपार्टमेंट की बात करें, मतलब डेटा साइंस वाले के, तो उसका ओपन का कट ऑफ 89% डाल, OBC का यहाँ पे 89.39% डाल गया था, ST का 81% डाल गया था, ST कैटेगरी का यहाँ पे 89% डाल, आप देख सकते हो EWS का 89% डाल गया था, TWS का 91.95% डाल गया था और JEE Mains का 81.83% डाल गया था। तो आपको अगर इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप देख सकते हो CSIT का कट ऑफ और बाकी जो इनसे रिलेटेड ब्रांचेस हैं हर एक का कट ऑफ यहाँ पे 90+% डाल है। यहाँ पे आप पूर्व ब्रांचेस का देखोगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे 50% डाल के आसपास कट ऑफ गया और मैकेनिकल के यहाँ पे पूरी सीट वैकेंट है। तो अगर आपके कम परसेंट डाल आप मैकेनिकल करना चाहते हो, आपके 0% डाल है, तो आप यहाँ पे आराम से एडमिशन ले सकते हो, आपको 0% डाल में एडमिशन मिल जाएगा। अब हम कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉलेज की ट्यूशन फीस है 99,000 है, डेवलपमेंट फीस यहाँ पे 0 रुपीज़ है और जो यूनिवर्सिटी जो अदर फीस है टोटल 5,986 रुपीज़ है। तो जो टोटल आपकी फीस होती है यहाँ पे 1,04,986 रुपीज़ होती है। तो जो डेटा है हमने कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया। आप बोलोगे यहाँ पे डेवलपमेंट फीस 0 कैसे हो गई, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे 0 रुपीज़ दी गई थी, इसलिए मैंने सेम वही यहाँ पे फॉलो किया है। अब कैटेगरी के हिसाब से हम फीस देख लेते हैं। जैसे ओपन की फीस यहाँ पे 1,04,986 रुपीज़ है, SC कैटेगरी की 5,986 है, VJDT, ND123, ST, TWS, SBC की फीस यहाँ पे 16,593 रुपीज़ है, फिर EBC, SEBC, EWS, OBC इनकी फीस यहाँ पे 60,790 रुपीज़ है। यहाँ पे अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे फीस पे कंसेशन मिल जाता है, 29,986 रुपीज़ होती है फीस यहाँ पे आपकी। SC कैटेगरी का आप देख सकते हो ट्यूशन और डेवलपमेंट फीस दोनों ऑफ हो गई है। अभी बाकी जो कैटेगरी है VJDT, ND123, ST, TWS, SBC इनका क्या है, ट्यूशन फीस 100% ऑफ हो गया है और बाकी जो अदर कैटेगरी है EBC, SEBC, EWS, OBC इनमें जो ट्यूशन फीस है 50% ऑफ हुआ है। अब हम कॉलेज के हॉस्टल के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 रिव्यू उठाए हैं स्टूडेंट के हॉस्टल से रिलेटेड, जो कि कॉलेज के स्टूडेंट ही थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटीज मिल जाती हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल मिल जाता है। तो आप रिव्यू के हिसाब से देख सकते हो, किसी ने बोला यहाँ पे अच्छा खाना मिल जाता है, किसी ने बोला नहीं मिलता अच्छा, फिर फैसिलिटीज में भी यहाँ पे कोई कोई बोलता अच्छा मिल जाता है, कोई कोई बोलता नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो फूड की क्वालिटी है और जो हॉस्टल की फैसिलिटीज है सब आपको एवरेज मिल जाती है, मतलब काम चलाओ टाइप में। और जो हॉस्टल की फीस है यहाँ पे 42,000 है। अगर आप कहीं बाहर से लेते हो PG वगैरह, तो आपका अगर 4 दोस्त लोग मिलके भी ले रहे हो 1 BHK का फ्लैट वगैरह कुछ भी ले रहे हो, तो उसका आपको 10K के आसपास पड़ जाता है। और जो हॉस्टल की फीस है वो आपकी मतलब 45-50 के बीच में। और आप अगर ऐसा सिंगल मतलब बाहर PG वगैरह में रहते हो, तो आपका मतलब पर पर्सन 2,000-3,000 के आसपास पड़ जाता है। अब सबसे मेन पार्ट आता है कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो हमें यहाँ पे हर एक बंदे का प्लेसमेंट दिया गया और कौन सी कंपनी में उसका प्लेसमेंट हुआ वो सब भी दिया गया है। तो आप देख सकते हो जो हाईएस्ट पैकेज था इस कॉलेज को 10 लाख आया था लास्ट टाइम, LTI कंपनी ने दिया था। फिर 10 लाख का आप देख सकते हो कितने लोगों को पैकेज मिला था, मतलब यहाँ पे 4 लोगों को 10 लाख का पैकेज मिला था। फिर 8 लाख के ऊपर भी आप देख सकते हो यहाँ पे 4-5 लोगों को मिल चुका है। आप पैकेज के साथ कंपनी का नाम भी देख सकते हो कौन सी कंपनी ने कितना पैकेज दिया था। तो आप जैसे देख सकते हो 10 लाख का पैकेज LTI कंपनी ने दिया था। फिर उसके नीचे और जाओगे तो जो सॉफ्टवेयर ने आपको दिया था 7.6 के आसपास, फिर TCS ने भी 7.6 के आसपास दिया था। तो ऐसे आप देख सकते हो हर एक का। फिर यहाँ पे कुछ कंपनीज दी गई हैं जो कि कॉलेज में रेगुलर आती हैं, फिक्स कंपनी है, और पैकेज भी आप देख सकते हो। जैसे TCS हो गया, इसका पैकेज आपका 7.6 से लेके 3.6 के आसपास होता है। जब यहाँ पे LTI, इन्फोसिस, एसेंचर, ये सब का भी आप देख सकते हो हर एक का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें 2018-19 की बैच का यहाँ पे रिपोर्ट दिया गया है, टॉप 10 बच्चों को कितना का पैकेज लगा था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पहला बंदा था उसको 25 लाख का पैकेज लगा था, जो कि जापान की कंपनी थी, तो शायद से ऑफ कैंपस था। और फिर जो सेकंड बंदा है उसको यहाँ पे 18.9 लाख का पैकेज था। फिर बायजूस का आप देख सकते हो 10 लाख का गया था, 7 लाख, 6 लाख, ऐसा आप देख सकते हो।
यहाँ पे अभी 2019-20 का भी दिया गया, टोटल 16 बच्चों का हमें प्लेसमेंट दिया गया। तो आप देख सकते हो जो पहला बंदा था उसको भी सेम वही जापान वाली कंपनी थी, यहाँ पे 30.5 लाख का था, मतलब 30 लाख का पैकेज यहाँ पे लगा था। फिर सेकंड आप देख सकते हो 12.5 का था। फिर बायजूस आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 7-8 बंदे लोगों को लगा था, 10 लाख का पैकेज था। फिर करियर लेफ्ट करके भी है आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे मेन आता है लास्ट ईयर का, आप देख सकते हो 2020 और 2021 की बैच का, तो हाईएस्ट पैकेज 10 लाख गया था और सेम वही एक कंपनी थी आपकी जो कि L&T थी। तो आप और नीचे देख सकते हो फिर 5 लाख का पैकेज मिला था, सेम ही कंपनी ने प्रोवाइड किया है आपको, मतलब आपके स्किल के हिसाब से यहाँ पे पेमेंट किया गया, मतलब इनको अलग अलग रिक्वायरमेंट चाहिए थे, अलग अलग टाइप के बंदे चाहिए थे, इसलिए हर एक का पैकेज इन्होंने अलग अलग दिया है। तो ये रहा हमारा कंप्लीट रिव्यू प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में जो कि पुणे में है। तो अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है इस कॉलेज से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, और नेक्स्ट कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।